हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रोहिणी आपके साथ फिर से एक और कुर्ती का हॉल लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक एंड आपको पता होगा, आपके फेमिलियर में होगी ऐसी कुर्ती आज मैं लेके आई हूँ। एंड उसका हॉल एक्चुअली नहीं करूँगी बिकॉज वो अनस्टिच है, बिकॉज मुझे वो अनस्टिच मीन सेमी स्टिच है। सो मैं आपको यहाँ पे पिक दे दूंगी, देखिए ये वाली कुर्ती है वो। तो वीडियो शुरू करने से पहले और कुर्ती आपको दिखाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। एंड सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। एंड सबसे उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट, हर एक चीज की अपडेट्स मिलने के लिए आप मेरे इस इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं कौन सी वाली कुर्ती है। तो कुर्ती है ये वाली, ये देखिए ये कलर में है, मैंने आपको यहाँ पे पिक दिखा दी। ये देखिए इस तरह की कुर्ती है ये, बहुत ही फेमिलियर, बहुत ही वेल नोन, एक्चुअली बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई थी ये बीच में। एंड उसके हिसाब से फिर मैंने इसको खरीदा, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया ना कि मुझे ये सेमी स्टिच में आ गई। मैंने इसको स्टिच मंगवाया था कि एक प्रॉपर साइज में, बट मुझे ये आ गई सेमी स्टिच। तो ये देखिए इस तरह की ये कुर्ती है। यहाँ पे मुझे जिस तरह का मुझे गला बनवाना है या फिर जिस तरह की स्लीव्स रखनी है वैसी ये स्लीव्स उन्होंने दी हुई है। मतलब ये प्रॉपरली स्टिच है, ऐसे प्रॉपर स्टिच नहीं की हुई है, जस्ट उन्होंने एक टाका अंदर से मार दिया है। मैं आपको दिखाऊँ, यहां से देखिए ये पूरा जो गले का पार्ट है वो तो पूरा ही जॉइंट है। तो ये कुछ इस तरह की कुर्ती है। ये देखिए कुछ से फ्लोरल इसमें कुछ ये जो है ये बीड्स लगे हुए हैं। इसमें दिखाया था कि ये मिरर वर्क होगा, बट ये मिरर वर्क नहीं है, टोटली एम्ब्रॉयडरी है। इसमें कुछ मिरर वर्क की भी आती है, तो ये मुझे जो दिखाई थी उसके हिसाब से तो नहीं है। और मेन मतलब स्टिच मंगवाई थी, बट वो स्टिच तो आई नहीं, सेमी स्टिच आ गई। तो ये देखिए नीचे इसके कुछ ऐसे स्कर्ट टाइप है। ये देखिए यहां से बॉर्डर, वैसे ये जो स्कर्ट वगैरह है ये अच्छी वैसे बहुत है, बहुत ही लेंदी है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ये देखिए बहुत ही ज्यादा बड़ी है, एक्चुअली फ्लोर लेंथ है। तो अगर ये रेडीमेड भी आती, इसका एक फायदा भी हो गया, नुकसान भी ऐसा हो गया कि अगर ये रेडीमेड आती तो जैसी है मुझे वैसी ही इसको पहनना पड़ता। बट इसमें मैं एक चीज कर सकती हूँ, इसमें मुझे चाहिए मैं वैसा, अगर मुझे कॉलर नेक चाहिए मैं कॉलर नेक बनवा सकती हूँ, राउंड नेक चाहिए, वी नेक चाहिए, जिस तरह का मुझे नेक चाहिए मैं इसमें बनवा सकती हूँ। एंड यहाँ आप इसका यूज कर सकती हूँ, बट ये है कि मुझे उसका एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। एंड स्लीव्स भी है, स्लीव्स तो ट्रांसपेरेंट है बट ये प्रॉपर से सिली भी नहीं है, तो इसको मुझे ढंग से सिलाना पड़ेगा। मतलब प्रॉपरली टेलर का काम इसमें बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो चुन्नी है वो भी बहुत, मतलब चुने हैं जो इसके स्कर्ट के लिए वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन लेंथ बहुत ही ज्यादा है। मतलब येलो कलर है, लाइट लेमन येलो कलर है, पहनने में तो बहुत ही अच्छी लगेगी, डिसेंट। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ये देखिए पहनने में तो बहुत ही ब्राइट कलर, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। बट मतलब जो लेंथ है इसकी, लेंथ मुझे इसको नी से थोड़ा सा नीचे में करने वाली हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा एकदम, मुझे इसको वन पीस टाइप नहीं पहनना है, तो मुझे इतना ज्यादा लेंथ पसंद भी नहीं है एक्चुअली। कुछ कुछ ड्रेसेस में वो अच्छा लगता है, बट इसको मैं कम करने वाली हूँ, बिकॉज ये देखिए यहां से इन्होंने यहां तक ये दिया हुआ है, अस्तर है इसका नीचे, ये देखिए अस्तर है, तो यहां से इतना ही अस्तर है। तो जहां तक अस्तर है मैं वहां तक इसकी लेंथ रखने वाली हूं, मतलब ऑलमोस्ट मैं इसकी इतनी लेंथ कम कर दूंगी। बहुत ही ज्यादा लंबी है, बहुत ही सुंदर है, अच्छी है। बट अब ये देखिए यहां पे मिरर बोला था, बट ये मिरर नहीं है, एम्ब्रॉयडरी है। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेमी स्टिच आ रही है, आई थिंक पता नहीं मुझसे सेमी स्टिच पे क्लिक हो गया या कुछ हुआ, मुझे ही कुछ पता नहीं चला, पर ठीक है चलो वेल एंड द गुड। मुझे है कि अगर, लेकिन मुझे सेमी स्टिच है तो थोड़ी सस्ती मिली है, तो 100-150 इससे मुझे थोड़ी सस्ती मिली है। तो और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये भी मैंने कैश करो से लिया है, अमेजोन से ही लिया है मैंने ये, तो मुझे अभी प्राइस याद नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि मुझे कितने प्राइस में मैंने ये खरीदी है। तो ठीक है, अगर वहां 150 रुपीज मैंने बचा लिए तो टेलरिंग में तो उतना लग ही जाने वाला है मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो एक ही चीज है स्टिल। बट एक एडवांटेज ऐसा है कि मुझे जैसा चाहिए मैं उसे ऐसे करवा सकती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी रेडीमेड जो होती है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ ऑल्टरेशन वगैरह ही हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। एटलीस्ट इसको मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज तो भी कर सकती हूँ, तो वैसे इसको मैं 5 में से कुछ 3.5 वगैरह ही स्टार दूंगी, बिकॉज क्या है कि कलर भी ठीक है, ब्राइट है, अच्छा है, गेटअप अच्छे से क्रिएट किया, इसके साथ हील्स कैरी की, मस्त ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ इसको कैरी किया। एक्चुअली इसके साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि खिल के आएगी, वो ब्लैक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, वो खिल के आएगी इसके साथ,
बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेंगी। आप देख सकते हैं मेरे इयररिंग्स तो उसी तरीके से होते हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये भी कुर्ती अगर अच्छी लगी होगी तो आप नीचे लिंक पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाय कर सकते हैं। एंड मैंने लिंक एक्चुअली स्टिच वाली की ही रखी हुई है, और अगर आपको अनस्टिच भी चाहिए तो मैं नीचे अनस्टिच कुर्ती और सेमी स्टिच और स्टिच कुर्ती दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आपको जिस तरह की चाहिए आप वहां पे जाके परचेस कर सकते हैं। एंड मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप कैश करो से ही इसे बाय कीजिए, अमेजोन से रिवॉर्ड्स लेके आपको बहुत अच्छा कैशबैक मिलेगा। तो वेल इन द गुड, मुझे भी ये कुर्ती अच्छी लगी। अगर आपको भी ये कुर्ती अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। जिसको येलो कलर में कुर्ती चाहिए होगी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स की जो वीडियोज हैं वो पता चल जाएगा कि कौन से आ रहे हैं एंड कौन से आने वाले हैं। तो उसके ऊपर बेल आइकन पे क्लिक करके आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब नया वीडियो आ चुका है। तो फिर चलते मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, बाय।